साल में दोस्तों एक ही बार आता है दोस्तों। जो बोट है दोस्तों अंदर एंटर कर दे करना है, यानी कि छुआ है पौधे है पेड़ की, जैसे कि पुजारी को तो गाइस आज हम जा रहे हैं खैरपुर खज्जी फेस्टिवल के लिए, जो साल में दोस्तों एक ही बार आता है दोस्तों और बहुत एंजॉय होता है खज्जी फेस्टिवल के। देख सकते हो दोस्तों कल से बारिश है दोस्तों, फिर भी जा रहा हो सुबह सुबह जा रहा हो क्योंकि भीड़ बहुत कम रहेगा। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं खैरपुर, देख सकते हैं ऑटो की भीड़ लगी पड़ी है दोस्तों, देख सकते हैं खर्ची पर हम पहुंच गए खैरपुर। तो हमने पेमेंट भी कर दिया है ऑटो ड्राइवर को। तो अभी हम सीधे जाएंगे दोस्तों जहां पर फेस्टिवल हो रहा है, वहां पर जाएंगे, वहां पर ही सब होगा आगे का प्रोसेस जो क्या करना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो अब हम जाएंगे वहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर खर्ची लिखा हुआ है, देख सकते हैं पूरा रोड अभी खाली है 12 बजे से सिर्फ। धीरे धीरे दोस्तों लोग भी बढ़ेंगे क्योंकि बारिश के वजह से लोग आ नहीं पा रहे। तो देख सकते हैं बारिश के वजह से यहाँ पर ठीक से दुकानें लगाया भी नहीं जा रहा है दोस्तों अच्छे से, देख सकते हैं लगता है फिर से भयानक बारिश आने वाली है कुछ देर में दोस्तों। अभी सिर्फ 12 बजे है, सिर्फ 12 बजे है अब तक, देख सकते दुकानें तो ठीक ठाक से लगी हुई है चारों तरफ दुकान ही दुकानें। और हम यहाँ पर कबूतर छोड़ने आए हैं, देख सकते हैं ये देखिए मेरे हाथ पे कबूतर है, छोड़ेंगे आज इन्हें आज़ाद करेंगे। तो देख सकते हैं बारिश के बस नाम ले रहा था, भयानक दोस्तों बारिश ना उतरा है दोस्तों अभी आके, भयानक बारिश दोस्तों। दुकानों की हालत देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए कुछ देर में शायद दोस्तों फ्लड हो जाएगा यहाँ पर, इतने बारिश हो रहे है। लेकिन ठीक बारिश दोस्तों अच्छे खासा बारिश हो रहा है, देख सकते हैं भयानक। फिर भी दुकान पे थोड़ी थोड़ी भीड़ तो लगी है। अंकल 200 रुपये की पेड़े दे दो, 200 रुपये की, देख सकते हैं यहाँ पर आपकी आंखों के सामने फ्रेश पेड़े निकले जा रहे हैं। तो यहाँ पे पेड़े हैं 100 ग्राम 50 रुपये। अंकल जी थोड़ा जल्दी कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं ग्राहकों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं पेड़े खरीदने के लिए, देखिए। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे सामने की तरफ रोड क्रॉस करते हुए, देख सकते हैं हम अब जा रहे हैं अंदर की तरफ और दुकानों पे भीड़ लगे हुए दोस्तों, हालांकि बहुत बारिश हो रही है। ये देख सकते हैं इस पॉन्ड को, यहाँ पर छोटे छोटे बोट है दोस्तों, यहाँ पर बोट भाड़े पे लेके चलाया जा रहा है, आगे दिखा दूंगा, यहाँ पे नहाया भी जा रहा है, देख सकते हैं नहा रहा है। अब आप अंदर की तरफ जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर दोस्तों बकरा बकरी को, मतलब जो बलि के बकरा बकरी होती है यहाँ पर काटा जाता है, मतलब यहाँ पर साफ सफाई करा जाता है उसकी मीट को, और बलि कहीं और चढ़ाया जाता है। अंदर जाके दिखा दूंगा आप लोगों को, वहाँ पूजा के यहाँ पर जहाँ पर भोग लगता है उसकी बाजू में दोस्तों बलि भी चढ़ाया जाता है, दिखा दूंगा अंदर जाके, देख सकते अंदर अंदर एंटर करते ही आप देख लेंगे यहाँ से बहुत सारे घोड़ी बाबाएँ गांजा पी रहे, भांग गांजा पी रहे सब। और यहाँ पर देख सकते चारों तरफ आप लोगों को अघोरी बाबाएँ दिखेंगे सिर्फ सामने की तरफ से, ये देखिए सिर्फ अघोरियाँ ही दिखेंगे दूर दूर तक, देख सकते यहाँ पर। और भी बहुत सारे तांत्रिक वगैरह यहाँ पर ही रहते हैं, पुजारी वुजारी सब इस कॉर्नर यहाँ पर ही रहते हैं। यानी कि अब अंदर की तरफ जाया जा रहा है क्योंकि अभी भोग लगाना है, उसके बाद कबूतरों को भी आज़ाद करना है यानी कि छोड़ना है। इतने बारिश में भी देख सकते हैं लोगों की भीड़, थोड़ी बहुत भीड़ बाहर, बहुत बारिश है दोस्तों लेकिन भीड़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भगवा धारण करने वाले बाबाओं को भी देख सकते हैं यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर भीड़ अभी भी होगा जहाँ पर बेजुबान जानवर को दोस्तों बलि के चढ़ाया जा सकता है, मौत के घाट उतारा जाता है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों बकरा या बकरी को यहाँ पर बलि चढ़ाया जाता है, खूब देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रसाद जो चढ़ाया जाता है देवताओं पर, ये देखिए यहाँ पर भीड़ कितना है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर लाइन कितना बड़ा है इतनी बारिश में भी दोस्तों।
मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते दोस्तों बोटों को भाड़े पे दिया जाता है स्पॉन पे, देख सकते कुछ घंटे के लिए। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कुछ मिला है, देख सकते हैं बूढ़ी माँ दोस्तों सारे देवताओं का पूजा, हम जिस ग्रहों को मानते यहाँ पर पूजा देख सकते हैं, पूजा दिया जा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है बारिश के बावजूद, तो यहाँ पर पुलिस और स्काउट गाइड के दोस्तों प्रोटेक्शन के यहाँ पर आके बैठे हैं। यहाँ पर दोस्तों तरह तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों स्काउट गाइड का ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बूढ़ी माँ का देखिए मतलब कमर और घुटना जवाब दे दिया, तो इसे इस लड़की ने यहाँ पर आके बिठा दिया, हेल्प किया दोस्तों। ये करीब 2 बजे देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, लाइन पे देख सकते कितनी भीड़ है। और यहाँ पर दोस्तों बेबी हेल्थ केयर भी कुछ है, देख सकते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ मिला है, देखिए हर का मतलब होता है शंकर, उमा का मतलब पार्वती, ऐसा करके 12 देवताओं के नाम दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, देख सकते हो ऊपर। एक कोई फॉलो नहीं करता ज़्यादातर लोग, देख सकते हो ऊपर बड़े बड़े करके मेंशन कर दिया गया है सुंदर तरीके से, देख सकते ऊपर। ये देखिए 12 देवताओं के नाम यहाँ पर दोस्तों, नकुल और बताशाएँ लूट दिया जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ का रिवाज है, देख सकते ऊपर बहुत सारे मारा जा रहे हैं लूट, यहाँ के आप दोस्तों कबूतरों को मुक्त करने के पहले दोस्तों इन्हें नहाया मतलब स्नान करवाया जाएगा दोस्तों यहाँ से, उसके बाद पूजा हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पर। पूजा के बाद पुजारी को दक्षिणा भी अच्छा खासा देना पड़ता है यहाँ पर। तो कबूतरों को अब उड़ाने के बाद हम बाहर के तरफ आ चुके हैं, बाहर भी अच्छी खासा भीड़ जम रहा है। तो अब मेले में जाके आप लोगों को दिखा देंगे अंदर जाके दुकानों के कितने बुरी दुर्दशा हो रहा है इस बारिश में दोस्तों, मंदे में चल रहा है पूरे दुकान पार, देख सकते हैं चारों तरफ दोस्तों ग्राहक ज़्यादा नहीं है, हालाँकि 2 के ऊपर बच चुके अभी तक, देख सकते पानी कहाँ से लिया जा रहा है। तो देख लिया खर्ची दुकान पाटों का क्या हालात चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देख सकते पीछे भी खाली है दोस्तों, अभी भी लोग ज़्यादा नहीं है, देख सकते रोड के बीचों बीच कितने पानी है। यहाँ पर देख सकते हो तो सर्कस भी लगा हुआ था, ये देख सकते हैं। तो 3 बज रहे हैं दोस्तों, पर देख सकते हैं मौत का कुआ भी लगा हुआ था सर्कस के अंदर दोस्तों, देख सकते हैं। और एक यहाँ पर ताजे फल का दोस्तों ठेला भी लगा हुआ है। और
देख सकते हो, पुलिस ऊपर बैठे हुए देख सकते हो माइक लेकर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो देख सकते हो। एक दादाजी यहाँ पर दोस्तों लौकी के सीड बेच रहे देख सकते हैं, जलेबी या ताली जा रही है देख सकते हैं आंखों के सामने। यहाँ पर देख सकते हैं भगवान और देवता की बहुत सारी मूर्तियाँ और साइड में पापड़, तरह तरह की पापड़ और अचार। यहाँ पर दोस्तों साफ बांस से बने हुए देख सकते हैं, बांस से ब्रश और तरह तरह की चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई यहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए एंड पर, यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है खर्ची का उससे फेस्टिवल देख सकते हैं खैरपुर का। फाइनली ब्रिज पर पहुंच गए हम, यानी कि ख़त्म खर्ची यहीं पर दोस्तों समाप्त। यहाँ पर तरह तरह के अम्ब्रेला लेके बैठे और साइड में ही देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट यहाँ पर लेके बैठे हुआ है, पौधे पेड़ की, जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे ही देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सारे पौधे। तो लौकी तो बहुत सारे देखे, लेकिन यहाँ पर अमेरिकन लौकी के बीज बेच रहे हैं अंकल। पैदल कब से दोस्तों चल रहा हूँ, पूरा एक्सप्लोर कर लिया है देखने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी पे टैटू बनाया जाता है, मेरे पीछे देख सकते हैं आर्टिफिशियल कितने सारे फ्लावर्स के पौधे दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे, जैसे मेरे सामने देख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सर्कस लगाया गया था, लेकिन बारिश के वजह से पूरा ही, जैसे कि मेरे पीछे ही देख सकते सर्कस के यहाँ पर कोई नहीं, पूरा खाली अभी भी। आ गए हैं जैसे कि होटल पे दोस्तों, बहुत भूख लगी है कब से, तो कुछ खा लेंगे यहाँ पर बनाया जा रहा है देख सकते हैं। तो देख सकते आ गए हैं स्वादिष्ट चाउमीन दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते स्वादिष्ट ठंडा ठंडा लस्सी आ गया है। आई लव यू खैरपुर। तो गाइस आज का वीडियो था इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।